दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा देख ही लिया होगा मैं किस तरह के लॉक के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आज एक ऐसे स्क्रीन लॉक के बारे में बात करूंगा जो बहुत ही अमेजिंग होगा। हे नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेस्ट में। दोस्तों आज मैं एक ऐसे स्क्रीन लॉक के बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत ही अमेजिंग होगा। ना ये तो पिन होगा, ना पैटर्न होगा, ना ही फिंगरप्रिंट होगा। तो चलिए मैं बताता हूं कि यह लॉक कैसा है, कैसे काम करता है। इसके लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसका नाम है जेस्टर लॉक स्क्रीन। इसे हम करते हैं ओपन और देखते हैं कि यह कैसे लॉक करता है। यहां देख सकते हैं क्रिएट जेस्टर लिखा है, चलिए इस पे हम करते हैं क्लिक। और यहां पे मुझे कोई एक बनाना होगा पैटर्न की तरह से, मतलब कुछ भी बनाना होगा। चलिए मैं बना लेता हूं, कुछ भी यहां पे ड्रा कर लेता हूं। चलिए इस तरह मैं यहां पे ड्रा कर लिया, एक बार और इसको ड्रा करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं यहां से नेक्स्ट। यहां पे पूछ रहा है पासवर्ड, यदि आप वह चीज भूल जाते हैं तो यहां पे आप एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इसे मैं यहां पे एक पासवर्ड सेट कर लेता हूं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट और यहां से करते हैं गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड करने के बाद इस तरह का कुछ फीचर खुल जाएगा। यहां हम देख सकते हैं इनेबल हो गया, यहां जेस्टर चेंज कर सकते हैं। यदि चेंज करना चाहे तो यहां भी इसको इनविजिबल कर सकते हैं, यानी जब आप स्क्रीन ऊपर बनाएंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। उसके बाद यहां से देख सकते हैं इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहां देख सकते हैं इसको बहुत सारे कलर है, आप इसको जिस कलर में चाहे उस कलर में इसको आप चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और कलर ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का कुछ यहाँ पे कलर बना हुआ है। यहाँ से इसको आप, चलिए मैं इसको इसका कलर में ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, स्विच आइकन कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे हैं। यहाँ देख सकते हैं इंक्लूडर सेल्फी कर सकते हैं। यह वाला जो है दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यदि आपका मोबाइल यदि कोई दूसरा लिया है, यदि वो इसको अनलॉक करना चाहे तो उसका उसको यदि पैटर्न नहीं पता है, इसका लॉक नहीं पता, उसकी भी फोटो खींच कर रख लेगा, उसको आप जान सकते हैं कि कोई आपका इसको पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश किया है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड, यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा बैकग्राउंड जो आप इसको लगा सकते हैं। चलिए मैं एक कोई बैकग्राउंड यहाँ पर लगा सकता हूँ, ये देख सकते हैं इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेट। यह बैकग्राउंड इसके अंदर कुछ फोटो भी दिए हैं जिसको आप सेट कर सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट तो आपके ऊपर रहता ही है, उसके बाद इसको भी आप सेट कर सकते हैं। उसी तरह नीचे जाएंगे तो बहुत सारा आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि यह कैसे वर्क करता है। यहाँ देख सकते हैं यह मेरी मोबाइल है, इसको मैं करता हूँ लॉक करता हूँ। उसके बाद इसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ओपन। देख सकते हैं जब मैंने यहाँ ओपन किया तो अभी जो मैंने अभी जो अपना बैकग्राउंड लगाया था, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पर कुछ भी ड्रा करूँगा, देखिए मेरी मोबाइल नहीं खुलेगी। यहाँ चलिए मैं कुछ ड्रा करता हूँ, नहीं खुलेगी, लेकिन जो मैंने यहाँ पे अपना इसका पैटर्न दिया था उस तरह का जब बनाया गया, देख सकते हैं मेरी मोबाइल बहुत ही आसानी से खुल गई। तो इस तरह से हम चाहें अपने मोबाइल खोलना तो इसको आप लगा सकते हैं। इसको जो ये चीज़ दिखाई दे रहा है इसको आप इनविजिबल भी कर सकते हैं, यदि चाहेंगे कि जब आप इसकी कोई चीज़ ड्रा करें तो दिखाई ना दे, तो उसके लिए आप जाकर वहाँ पर सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ अमेजिंग लॉक आप अपने मोबाइल के ऊपर लगा कर बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल को लॉक कर सकते हैं। यह थोड़ा से हर लॉक से बहुत ही अलग है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ घंटे का बटन भी दबा दीजिएगा। यदि आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।